शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर में हमने पढ़ा थे डिफरेंट साइंटिस्ट जिन्होंने अलग अलग अपना अपना क्लासिफिकेशन दिया। फर्स्ट डॉवेराइनर आए थे, सेकंड आए थे कौन, न्यूलैंड, एंड थर्ड इज मेंडली, जिनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा था इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उनके बाद उनकी कुछ लिमिटेशंस थी उस टाइम, मेंडलीव की पीरियड टेबल में बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस थी, जिन्हें कंप्लीट किया हेनरी मोजले ने। इन्होंने दी अपनी मॉडर्न पीरियड टेबल, इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स थे स्टैंडिंग और हॉरिजॉन्टली पीरियड्स। जो स्टैंडिंग थे उन्हें कहा गया ग्रुप्स और जो हॉरिजॉन्टल थे उन्हें कहा गया पीरियड। अब इसमें जो एलिमेंट्स रखे गए किस टाइप से डिसाइड किए गए, उन्हें किस से व्यवस्थित किया गया, इसके लिए हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ग्रुप वन के है कुछ एलिमेंट्स को देखो और उन्हें पता लगाओ उनमें क्या सिमिलैरिटी है। जैसे हम अपनी पीरियडिक टेबल लेते हैं लाइक दैट, इसमें देखेंगे ध्यान से HLI ये फर्स्ट गेट ग्रुप एंड दिस इज पीरियड। 18 क्या है ग्रुप्स हैं, फिर ध्यान से देखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड आर मेटल्स और लास्ट में दे आर नॉन मेटल्स। जो येल्लो से दिखाई दे दे आर मेटलॉइड्स, क्योंकि इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के ही प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं H3 11 19। चलिए इनमें सिमिलैरिटी देखते हैं। आपने पढ़ा ना 9th क्लास में बोर्स मॉडल, जिन्होंने अपना बोर्स मॉडल दिया था 2n² का, इसके अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट्स के अंदर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। इसके बेस पे हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन भी बनते हैं, जिसमें किसमें था KLMN। अगर हम इसमें करते हैं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो के में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। लिथियम में है तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें गए, एक एल में आ गया। अगर हम थर्ड सोडियम की बात करते हैं तो 2/8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रह नहीं सकते, 1। और अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं तो 2 8 8 1। सब में देखो सिमिलैरिटी 1 1 1, आउटर मोस्ट शेल में सबके एक इलेक्ट्रॉन है। मीन ये मेटल्स हैं, पॉजिटिव 1 चार्ज है, मतलब पोजीशन को देखकर एक ही ग्रुप को देखकर उसके सारे एलिमेंट्स के बारे में बता सकते हैं कि इनकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम बता सकते हैं। चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं, हम सेशन क्लियर करते हैं। चलिए भाई दैट वी फाइंड दैट ऑल दीज एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी टाइप से हम फ्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन और फ्लोरीन के बाद में देखते हैं तो इसमें होता है 2 7, फ्लोरीन में बात करता है 2 8 7, मतलब दोनों में ही लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। मतलब हम एक ग्रुप में बारे में पढ़ के उनके बारे में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई अब सेकंड देखते हैं, अब हम पीरियड्स के थ्रू चलते हैं। पीरियड्स में किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं देखिए, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, जब इस तरह चलते हैं तो क्या पोजीशन में क्या चेंज आता है जब हम लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, तो इनके इलेक्ट्रिक कॉन्फिग्रेशन में ध्यान से देखिए क्या चेंजेस आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 1, बेरिलियम में 2 2 2, इसके बाद आ गया बोरॉन में 5 है तो 2 3 2 4 2 5। देखिए जैसे हम पीरियड्स में चलते हैं तो हर पार्ट में नंबर ऑफ शेल तो सेम है इसका, और देखो हम ग्रुप पीरियड्स का नंबर देखें, अगर इसमें 2 है पीरियड नंबर 2 है तो इसका इलेक्ट्रॉन तो इसमें कितने शेल होंगे, 2 होंगे, एक के और एक एल। फर्स्ट में है तो खाली के है, थर्ड में है तो 3 शेल है KLM, इस टाइप से भी पता लगा सकते हैं। 2 2 इलेक्ट्रॉन इस देख रहे हैं, जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं तो क्या होता है, 2 शेल हैं और हर शेल में हर एक यूनिट में एक एक इलेक्ट्रॉन देखो बढ़ता जा रहा है, 3 इसमें 4 5 6 7 8, हर पार्ट में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पढ़ेंगे, एज यू फाउंड दिस एलिमेंट डू हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नो ये वेरीज करते हैं, येस इट्स इंक्रीज 1 by unit, एक एक करके बढ़ते चले जाते हैं। इट्स मीन एटॉमिक नंबर बढ़ता है जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। चलिए वी कैन से द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑक्यूपाइड शेल आर प्लेस इन द NAMG, सब में देखते हैं शेल नंबर सेम है,
मतलब वैलेंस हम इलेक्ट्रॉन क्लासेस की बात करते हैं, K11 सब में सेम है, बस एक एक यूनिट के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चलिए, एज वी बिलोंग टू द थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल सिंस द इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ दीज एलिमेंट्स आर फिल्ड K11, अगर थर्ड पीरियड है तो तीन क्लास है, फोर्थ पीरियड तो फोर्थ क्लास होंगी, इस टाइप से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ईच पीरियड मार्क अ न्यू इलेक्ट्रॉन शेल गेटिंग फील्ड, एक नया इलेक्ट्रॉन शेल गेन हो जाता है। फर्स्ट में है तो खाली K है, सेकेंड में तो KL2 हो जाते हैं, क्लियर बेटा। देन नाउ हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन अ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड, आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बोर्स मॉडल है 2n², इसके बेस पे आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए बेटा, अब मॉडर्न पीरियड टेबल में वैलेंसी कैसे इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। हम जानते हैं वैलेंसी और इलेक्ट्रॉन उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से होता है, जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं तो 1-1 करके वैलेंसी पहले 3 तक बढ़ती है, 4 पे स्टेबल हो गए, 5-6 से फिर एक एक घटनी शुरू हो जाती है। चलिए, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज मतलब जितनी ज़्यादा क्लासेस उतना बड़ा साइज, ओके। एटॉमिक साइज रेफर द रेडियस ऑफ द एटम, एटम की रेडियस, देखो जैसे एटम है तो मतलब उसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस कितनी दूर है उसके रेडियस पे डिपेंड कर, दिस इज अ रेडियस, इस पे डिपेंड कर, जितनी ज़्यादा क्लास होगी रेडियस उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द आइसोलेटम, द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन 37। चलिए तो हम देखते हैं, जब स्टडी करने में पता चलता है कि एटॉमिक रेडियस जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं तो घटती है, पीरियड्स में चलते हैं लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, जैसे कि ली बी बिक नोव, तो हमेशा घटती है, क्यों भाई, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं उतनी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे जो पकड़ है वो और मजबूत हो जा रही, साइज छोटा होता जा रहा है, इसलिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है जब लेफ्ट से राइट जाते हैं। ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज विल टेंड टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड रिड्यूस द साइज ऑफ द एटम। चलिए, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है जब हम ग्रुप्स में जाते हैं, भाई पहले तो हाइड्रोजन में तो एक ही है, लिथियम में देखते हैं 3 है तो इसमें दो क्लास हो गई 2-1, और सोडियम में जाते हैं तो 1-2, सोडियम है तो 11-2-8-1, तो देखो हर पार्ट में एक क्लास इंक्रीज होती जा रही है, एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है, क्लास बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। अब है मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर, ये आप देख भी सकते हैं आसानी से, एज वी सुन दैट, अब आपकी मॉडर्न पीरियड टेबल जिगजैग लाइन सेपरेट करती है, मेटल्स अलग हैं, लेफ्ट साइड है, राइट साइड नॉन मेटल्स है, बीच में जो पिंक कलर की लाइन्स है वो मेटलॉइड्स को अलग करती है। वी कैन सी चैप्टर 3, मेटल्स टेंड टू लॉस इलेक्ट्रॉन विच आर फॉर्म बॉन्ड, भाई मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तभी वो मेटल्स कहलाते हैं, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड, पीरियड टाइम में इंक्रीज होता है, टेंड टू लॉस इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, और जबकि टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की मीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी गेन होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज एक्सप्लेन बाय द वैलेंस, इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज बिकॉज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, देयर फॉर दे कैन बी लॉस ईजली, आसानी से ईजली लॉस कर देते हैं, हैंस मेटेलिक चार्ज डिक्रीज, मेटेलिक जो चार्ज है पॉजिटिव +1 +2 डिक्रीज होता है पीरियड्स में और इंक्रीज होता है ग्रुप्स में। भाई इलेक्ट्रॉन की क्लास जितनी ज़्यादा होगी गैप ज़्यादा होगा उतने आसानी से लॉस कर सकता है, राइट, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मेटल करेक्टर डिक्रीज होता है पीरियड्स में, इधर साइड से जाते हैं ना पीरियड्स डिक्रीज होता है, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। चलो बच्चों, इसको आसानी से अच्छे से पढ़ना लिखना, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।